हेलो लर्नर्स, तो इस वीडियो में हम डील करेंगे आपका प्लांट टिश्यू कल्चर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक छोटे से प्लांट सेल से, टिश्यू से या ऑर्गन से एक पूरा ही होल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम को खुद बना के अंडर अ लेबोरेटरी कंडीशन। ओके, सो इसमें हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम हमें चाहिए होता है अच्छा वाला एक लेबोरेटरी के अंदर, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स के, जैसे कि ट्यूब्स के, फ्लास्क के, जार्स के और पेट्री डिश का। ओके, जो कि हमें पूरा सपोर्ट करती है एक प्लांट सेल से एक होल प्लांट का फॉर्मेशन करने में। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स चाहिए होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हमें एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए और न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए, हमें अच्छी अच्छी आपका कंडीशंस चाहिए, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लाइक पासिंग ऑफ ऑक्सीजन है, एरेशन जो आपका उस टिश्यू को चाहिए, वो सारी ये सारी कंडीशंस आपको प्रोवाइड करवानी रहती है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट मीडियम हमें चाहिए वो कैसा चाहिए, मीडियम ऐसा चाहिए जिसमें आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो, मेजर और मिनरल एलिमेंट्स हो, जो कि लाइक किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, उसमें विटामिन और सुक्रोज हो। एडिशनली हम जो ऐड करते हैं ताकि ग्रोथ को और इंक्रीज करवा दिया जाए, वो होते हैं आपके प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन, जो कि आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटो काइनिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन इसके बाद हम और अलग तरीके से कोकोनट मिल्क, वेरियस फ्रूट जूसेस हम इसमें ऐड करते हैं, केसिन हाइड्रोस्टेट ऐड करते हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं, और मेनली इसका मेथड क्या होता है कि इसको हम एक स्लाइटली एसिडिक पीएच दे, विच इज 5.8। ओके, सो एक 5.8 आपका पीएच रखें इसका एसिडिक कंडीशन बनाए रखने के लिए। देन यहाँ पे आपका जो एस्पैटिक कंडीशन है, लाइक ये सब कुछ सारी चीज़ें हमने खुद प्रोड्यूस करी है, तो यहाँ पे हमें ये बहुत फोकस करना चाहिए कि कहीं इसमें बैक्टीरिया कोई फंजाई तो ग्रो नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा, जो आपका प्लांट टिश्यू ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ रिटार्ड होगी और उस को लाइक वो किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर चेक करना चाहिए आपके बैक्टीरिया और फंजाई को। ओके, तीसरा टर्म है आपका प्रॉपर एरेशन। देखो, प्रॉपर एरेशन मतलब प्रॉपर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपर और सफिशिएंट एयर हमें उसे देनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कल्चर मीडिया हम दो अलग अलग लाइक तरीके का लेते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं। अगर सॉलिड ले रहे हैं ना, तो जो प्लांट टिश्यू हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट, तो उसे ना सरफेस पे रखें कल्चर मीडियम के। ओके, सॉलिड है तो सरफेस पे रखेंगे, इससे क्या होगा, जो हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक जो नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन प्लग लगाया है, उससे एयर ना सफिशियंट एयर उसके पास आती रहेगी और वो ग्रो करता रहेगा। तो प्रॉपर एरेशन वाला जो मेथड है वो वहाँ पे उसे प्रोवाइड हो रहा है। हाइवर जब कल्चर मीडिया लिक्विड है तो उसे हम सस्पेंड करेंगे, लाइक कुछ उस प्लांट टिश्यू को सस्पेंड करेंगे, ताकि जो जितनी भी आपकी इरेशन एयर है, सफिशिएंट एयर है, वो लाइक बबलिंग बबल के थ्रू आती रहे, उसे लाइक पूरी अच्छी प्रोवाइड होती रहे सफिशिएंट एयर, और इसके लिए हम जेंटली शेकिंग भी करेंगे। ओके, सो ये हमारा एक्स्ट्रा लाइक वर्क हो जाएगा इन प्लांट टिश्यू कल्चर। अब एकदम से ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, लाइक मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत छोटा सा हमें अमाउंट में मेरिस्टेम टिश्यू चाहिए होता है। अब मेरिस्टेम टिश्यू आप एपिकल भी ले सकते हो, इंटरकैलरी भी ले सकते हो, और आपका लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू भी ले सकते हो, क्योंकि मेरिस्टेम टिश्यू में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो पूरे ही प्लांट सेल को फॉर्म कर देगी। ओके, सो आप कहीं का भी मेरिस्टेम टिश्यू ले लो और उसे एक एस्पैटिक कंडीशन में, यानी कि आपकी जितनी भी लेबोरेटरी कंडीशन में से हम ग्रो करवाएंगे। अब यहाँ पे उसे हम अच्छा आपका जो मीडियम है, कल्चर मीडियम, वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पे जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं ना, ये लाइक कैलस में डेवलप हो जाएगा। जब ये कैलस में डेवलप हो जाएगा, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे एक सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में, जहाँ पे ये डेवलप होगा, और डेवलप करके ये स्मॉल प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे जब छोटे छोटे प्लांटलेट्स फॉर्म हो जाएंगे, तो हम अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन करेंगे सप्लीमेंट्स, जैसे कि आपके प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जो कि फास्ट करेंगे, हेस्टिन मतलब फास्ट करेंगे आपका जितना भी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है कैलस का। सो कैलस क्या होगा, एक फुली फॉर्म प्लांटलेट्स में फॉर्म हो जाएगा। इसे उठा के ना हम ट्रांसप्लांट कर देंगे आपके पॉट में या फिर सॉइल में, ताकि एक मेच्योर प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। अब यहाँ पे पूरे ही लाइक
इस मेथड से, प्लांट टिश्यू कल्चर से हम डिजीज फ्री प्लांट्स का भी फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम डिजीज प्लांट. क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम प्लांट में से कोई प्लांट डिजीज्ड वाला भी हो वो फ्री होता है, वहाँ पे मेरिस्टेम में कोई भी डिजीज नहीं मिलती. तो इससे हम डिजीज फ्री प्लांट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसे हमने कमर्शियली काफ़ी यूज़ करा है प्लांट्स के ऊपर, जैसे कि ऑर्किड्स, फॉरेस्ट्री स्पीशीज और आपके एक क्राइजेंथीमम, बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी हमने ग्रो करा है इस मेथड से. सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा ही प्लांट टिश्यू कल्चर आपको समझ में आ गया हो. तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.